नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN नई न्यूज। आज पूरे देश में भारत बंद है और भारत बंद को लेकर के सिर्फ एक ही जो रीजन है वो सिर्फ एक ही रीजन है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इस कदर ऊपर चढ़े हुए हैं कि सारा दोष केंद्र सरकार पर मढ़ा जा रहा है। और विपक्ष 2019 के आड़ में अब BJP पर वार कर रहा है कि आपने तो हमारी सरकार को कोसा था कि हम UPA की सरकार में जम करके कांग्रेस की सरकार में महंगाई ताबड़तोड़ थी, लेकिन आप अब अपनी गिरेवान में झांक करके देखिए कि अब जो महंगाई है वो कितनी हो गई है। तो ख़ास तौर पर इसीलिए विपक्षी पार्टी ने रामलीला मैदान पर धरना दिया। अब रामलीला मैदान पर इस तरीके का धरना कि वास्तव में ऐसा देखा जा रहा है कि मनमोहन सिंह जो कभी बोलते नहीं थे वो मनमोहन सिंह के मुंह से आवाज़ निकलने लगी है। वो कहते हैं कि मोदी सरकार है अब दोबारा नहीं आएगी, उसका अंत होने लगा है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर BJP पार्टी हो या फिर उनसे संबंधित जो भी नेता हो, उनकी अगर बात की जाए तो BJP पार्टी उस मुहाने पर खड़ी है जहां महंगाई ने बार कर रखा है बहुत बुरी तरीके से, जहां पैसे डॉलर के जो मुकाबले जिस तरीके से रुपए नीचे गिरा है वो पूरी तरीके से देश के ऊपर एक संकट खड़ा हो गया है। और इसी के साथ संकट खड़ा हो गया है BJP पार्टी के लिए कि 2019 का जो चुनाव है वो यूं ही खाली नहीं जाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को पूरा पूरा हिसाब देना पड़ेगा कि आपने भारत की जनता के लिए आखिर किया क्या है। BJP पार्टी जो कहती है, अमित शाह कहते हैं कि 50 सालों तक BJP पार्टी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आप जनता को जवाब देंगे कि महंगाई इतनी क्यों है। पेट्रोल और डीजल के दाम शायद मैंने तो अपनी उम्र में इतने दामों को नहीं देखा है। और यकीनन तौर पर जो भी लोग होंगे इस देश में बहुत पहले से, जो जिन्होंने मेरे से पहले से भी जन्म लिया है, उन्होंने भी इन जो प्राइस हैं, पेट्रोल के दाम हैं, डीजल के दाम हैं, उनका अनुमान इतना नहीं लगाया होगा। जो BJP कहती थी कि मेरी सरकार आने से महंगाई बहुत, हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी जो कहते हैं कि पहले 11% महंगाई थी, अब मोदी सरकार में 4% घटकर आ गई है। हालांकि एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी के बीच का जो एक आदमी बनकर तैयार होता है वो मिडिल क्लास फैमिली का आदमी होता है, और उस मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर सबसे ज़्यादा ये जो महंगाई का असर होता है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि एक गरीब आदमी जो है वो तो 50 रुपये की दाल पहले लेकर भी खा रहा था, और आज भी महंगाई बढ़ भी जाएगी तब भी वो 50 रुपये की दाल ही लेगा, चाहे भले ही कम आए। हालांकि हल्का सा ज़्यादा पानी डाल देगा तो पतली हो जाएगी, सबके लिए हो जाएगी, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी है उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसने अगर 50 रुपये की दाल ली है, अगर महंगाई ज़्यादा हो गई है तो अपने परिवार के हिसाब से, क्योंकि वो स्टेटस बनाना चाहता है और स्टेटस के चक्कर में वो इस तरीके से पिसता है कि वास्तव में उसको परेशानी ही परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि मनमोहन सिंह ने आखिर प्रधानमंत्री मोदी और BJP पर क्या हमला बोला है, तो आइए देखते हैं। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने आज भारत बंद का आह्वान किया। कांग्रेस के अनुसार उसे 21 विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी सोमवार को रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे गए हैं। उनके साथ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा भी मौजूद हैं। साथ ही NCP प्रमुख शरद पवार और शरद यादव भी धरने में शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी धरने में शामिल हुई हैं। उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद हैं। धरने के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र की BJP सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बड़ी संख्या में ऐसे कदम उठाए हैं जो देश हित में नहीं है। मोदी सरकार को बदलने का समय जल्द ही आएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटकर सोमवार सुबह पहले राजघाट पहुंचे।
वहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर मानसरोवर का जल चढ़ाया। इसके बाद वे राजघाट से पैदल मार्च निकालकर रामलीला मैदान पहुंचे। भारत बंद को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें और किसी तरह के हिंसक प्रदर्शन में शामिल न हों। इसके बावजूद बिहार के कई हिस्से में हिंसक प्रदर्शन हुए। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में वाहनों में तोड़फोड़ की। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल रोकने की कोई भी कोशिश की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा समेत कई राज्यों में पुलिस अलर्ट पर रही है। भारत बंद के कारण देश भर में करीब 12 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। इनमें भुवनेश्वर से हावड़ा जनशताब्दी जैसी ट्रेनें शामिल हैं। उड़ीसा का संभलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ट्रेन रोककर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर विरोध जताया। वहीं माकपा कार्यकर्ताओं ने विशाखापट्टनम में भी बढ़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेलंगाना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुजरात के भरूच में प्रदर्शनकारियों ने बसें रोकी और टायरों में आग लगाई। भारत बंद की वजह से बेंगलुरु में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। मुंबई में पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए अलर्ट जारी किया है। सभी इमरजेंसी सेवाएं बंद के असर से बाहर ही रखी गई हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि इस प्रदर्शन में 21 विपक्षी पार्टियां समर्थन कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की तरफ से बयान जारी कहा गया है कि उनकी पार्टी बंद का समर्थन करती है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में बंद की इजाजत नहीं दे सकती। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन और वामपंथी नेताओं के कांग्रेस की ओर से बुलाए गए भारत बंद का खुला समर्थन किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि वे बंद में शामिल नहीं होगी। शिवसेना ने भी बंद का समर्थन नहीं किया है। हालांकि मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बंद का समर्थन किया है। बीजू जनता दल बीजेडी ने भी बंद का समर्थन नहीं करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश में संभावित गठबंधन के साथ ही सपा और बसपा ने भी खुलकर बंद का समर्थन नहीं किया। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में हर जनपद के तहसील मुख्यालय में सोमवार को धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 52 महीनों में देश के लोगों से 11 लाख करोड़ रुपए लूटे और बीजेपी सरकार चलाने की बजाय मुनाफाखोर कंपनी चल रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं, उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सुरजेवाला ने कहा कि हम मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो भले ही मनमोहन सिंह कुछ भी कहें या वो कहें कि मोदी सरकार नहीं आएगी, या फिर मोदी सरकार आती है या फिर कांग्रेस की सरकार आती है, हालांकि जनता को हर सरकार में ही मरना पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिली को हर सरकार में ही झुकना पड़ता है। हालांकि कांग्रेस के आने से कोई बहुत बड़ा तीर तो मार नहीं लिया जाएगा और मोदी सरकार आने से कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया गया है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, लेकिन जो इंसान, जो आदमी है, आम आदमी है, गरीब है, वो उसी तरीके से मरता रहता है जिस तरीके से सरकारें आती जाती रहती हैं, अपना उल्लू सीधा करके चली जाती हैं, मज़े मारती हैं, ऐश करती हैं, और नेता अपने बेडरूम में जा कर के बैठ के चाय पीते हैं। और जनता का ख्याल किसे रखना है, ये तो जब टाइम आता है तब हाथ जोड़ करके वोट मांग लिए जाते हैं और फिर जनता को सिर्फ ठेंगा दिखा दिया जाता है। हकीकत यही है और हकीकत से परे आप कुछ भी सोच भी नहीं सकते। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन सोचिएगा जरूर कि जनता के लिए सरकार क्या करती है और उसी हिसाब से वोट दीजिएगा। नमस्कार।